वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। मेरे पास मेरी एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैडम एक नाइट क्रीम बता दो घर में बना के। मैंने अभी कुछ दिन पहले ना आपके साथ एक लिपस्टिक की और एक हाइलाइटर की वीडियो शेयर करी थी। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ी सी ना आवाज़ बीच बीच में टूट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बात हम ज़रूर करेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे आप घर पर नाइट क्रीम बना सकते हो और इस नाइट क्रीम के फ़ायदे अनेक हैं। तो कैसे आप घर पर बना सकते हो बहुत ही सस्ती, सुंदर, टिकाऊ और जो आपको देगी 100% रिजल्ट। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो होता है कोई भी एलोवेरा जेल आप ले सकते हो। कोशिश कीजिएगा जितना प्योर हो सके उतना प्योर लीजिएगा। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाओ का एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले मैं इसे ले लूँगी, तो मैंने इसे ले लिया है। बेस इंग्रेडिएंट हमारा एलोवेरा जेल होने वाला है। इसके बाद हम लोग लेंगे विटामिन ई की कैप्सूल्स। जी हाँ, विटामिन ई जो होता है ना, ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके की विटामिन ई की जो होती है ना कैप्सूल्स आपको मिल जाएंगी कॉस्मेटिक शॉप पे भी, बट अगर आप उनसे लेते हो क्या कहते हैं केमिस्ट शॉप से, वो आपको देते हैं इवियॉन 500 की, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे निकाल ली है 2 कैप्सूल्स। अब मैं इन्हें पिन की मदद से इनमें छेद करूँगी और इसे निकाल लूँगी। अब मैं फटाफट से इसे निकाल लेती हूँ। ये जो है ना, मैं आपको जो क्रीम बता रही हूँ आज, इसके इंग्रेडिएंट्स ही सबसे बड़े कमाल के हैं, आप देख सकते हो। तो इनमें होता है विटामिन ई, ये है विटामिन ई की कैप्सूल्स। 2 कैप्सूल्स मैं डाल लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसके बिल्कुल सिंपल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम हम लोग नहीं रखेंगे। ये हो गई 2 कैप्सूल्स। इसके बाद जो हमें ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कई लोग आपको बोलेंगे कि आप डायरेक्ट अपने स्किन पे लगा लो, बहुत यूज़फुल होता है, बट ग्लिसरीन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है। मतलब अगर आपने इसे अपने फेस पे डायरेक्ट लगा लिया ना, तो ये फ़ायदे तो आपको कुछ नहीं करेगा बट नुकसान बहुत कुछ कर देगा। देखो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ये जो है ना ये बहुत ही थिक होता है, आप देख सकते हो बहुत ही थिक होता है ये। तो इसकी हम 2 से 3 ड्रॉप, देखो मैं बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसे हफ्ते 10 दिन के लिए बना लो। मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने का बनाने के साथ में ज़रूरत है। ग्लिसरीन देख सकते हो आप, ये मैंने अभी थोड़ा सा हाथ पे लगाया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही लगाते हो ना, तो ये डस्ट चिपक जाती है इस पर, जिसकी वजह से बहुत सारी आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ग्लिसरीन हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में लगाइए अगर आप अपनी स्किन पे लगाना चाहते हो तो। लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके स्किन पे जैसे पिगमेंटेशन होती है, कई तरीके के निशान हो जाते हैं ना, उस पर काम करता है ये। आपकी स्किन के स्किन टोन को इवन करने का काम करता है। जैसे कई बार होता है आपका माथा थोड़ा सा डार्क हो रहा है, चीक्स थोड़े से लाइट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो रहा है, कई बार ना हमारा फेस बिल्कुल अनइवन स्किन टोन हो जाता है, तो कैस्टर ऑयल बहुत हेल्प करता है उसमें। कैस्टर ऑयल के भी साथ सेम प्रॉब्लम है कि ये बहुत थिक होता है, तो इसे भी हम डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लगाएंगे। तो ज़रा सा कैस्टर ऑयल मैंने इसमें डाला है, ज़रा सा मैंने डाला है ग्लिसरीन, 2 डाली हैं विटामिन ई की कैप्सूल्स और डाला है एलोवेरा जेल। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा मेकअप ब्रश। तो इस तरफ से मैं इसे मिक्स करना शुरू करूँगी। जैसे जैसे आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीम जैसी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कोई कैमरा कट नहीं कर रही हूँ इसीलिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ ढंग से। आप आवाज़ सुन सकते हो, मैं इसे बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि ये लगता भी बहुत थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि ये जितना मैंने बना दिया ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत दिन चलने वाला है क्योंकि हमें सिर्फ फेस पे लगाना है इसे। आप चाहो तो इसे अपनी स्किन पे, हाथ पे, फेस पे, नेक पे, हर जगह लगा सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ये देखिए, ये बन के हो चुका है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कंसिस्टेंसी, ये आप देख सकते हो बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी, ये देखो। इसे आपने अपने फेस पे लगाना है। अभी जैसे मैंने सिर्फ अपनी आंखों पे काजल लगा रखा है, मैं इसे आपको अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, और क्योंकि हमने इसमें डाला है ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी करेगा। देखिए, जो कैस्टर ऑयल होता है ये आपकी अनइवन स्किन टोन पे काम करता है, ग्लिसरीन होता है ये आपकी स्किन के जो मॉइस्चर होता है ना उसे लॉक करता है। सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये जो ग्लिसरीन है ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। विटामिन ई जो हमने डाला है वो हमारी स्किन को थोड़ा सा जवान जवान दिखाने की कोशिश करेगा, और एलोवेरा जेल के फायदे तो आपको पता ही है। तो ये चारों चीज़ें मिला के मैंने बनाया है ये सीरम।
ये क्रीम, नाइट क्रीम आप इसे बोल सकते हो, सिरम बोल सकते हो, जो बोलना है वो बोल सकते हो। ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स 100% आते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे। ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।